आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला आपका भी कीबोर्ड है जो कि काम नहीं कर रहा है और बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको आप इजीली किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं अपना हैंगिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड माइक वगैरह काम नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है, तो उन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद इनपुट लैंग्वेज पे जाना है, वर्चुअल कीबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अगर आपका माइक वगैरह शो नहीं होता है तो इस पर क्लिक करके, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिएगा तो माइक वगैरह शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ माइक वगैरह से रिलेटेड। अगर हैंग होता है तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, ये लैग करता है वगैरह, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना होगा। ये रहा नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका जीबोर्ड का ऐप्स हो उस पर क्लिक करना है। ये रहा जीबोर्ड ऐप्स, इस पर क्लिक करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। इससे आप रीसेट हो जाता है आपका फ़ोन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रीसेट हो गया और ये वाइट हो गया सिंपल कलर में, पहले रेड कलर में था। तो इसी प्रकार से आपको चेंज कर सकते हैं। अगर खुद का फ़ोटो वगैरह चेंज करना है तो सेटिंग पे जाइए, थीम पे जाइए और यहाँ से आपको जो भी फ़ोटोज़ वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो फ़ोटोज़ वगैरह वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का थीम वगैरह भी चेंज हो गया। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय।